हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। कई बार आप क्या करते हैं, रैंक कैलकुलेट करने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं भाई, रैंक तो टोटल के ही बेस पे हमें कैलकुलेट करना है, ये तो बात आपको पता ही है। तो टोटल के बेस पे कैलकुलेट करते समय गलती कहाँ करते हैं, देखिए यहाँ पर टोटल भी आया हुआ है, एवरेज भी आया हुआ है। तो पहली बात, ये एवरेज के बेस पे आप नहीं कर पाएंगे, तो टोटल के बेस पे करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर ए एन के रैंक लगा देता हूँ और रैंक ही लगाना है, रैंक डॉट एवरेज नहीं लगाना। अब रैंक में आपको पहला रैंक सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है और यहाँ से आप गलती यहीं पे करते हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके सारे डेटा को, यानी टोटल वाला पूरा डेटा, पहले तो एक ले लिया फिर टोटल वाला पूरा डेटा सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे रैंक 8 आ गया है इनका। लेकिन अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर फर्स्ट रैंक दो दो लोगों को मिल गई, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए थर्ड रैंक दो दो लोगों को मिल गई, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए और यहीं पर गलती हो जाती है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वल्स टू लगाना है और रैंक का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो जाता है तो पहले वाले को सेलेक्ट करके कॉमा दीजिएगा, कॉमा देने के बाद इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके और फ्रीज करना है, रो और कॉलम दोनों ही के पहले डॉलर लगा होना चाहिए। तो इतने हिस्से को जितने को कि हमको फ्रीज करना है उतने को सेलेक्ट करके F4 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे रो और कॉलम सबके पहले डॉलर लग गया। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर कर सकते हैं, लेकिन रुकिए, अभी एंटर नहीं करना है, कॉमा देना है। असेंडिंग में शॉर्ट करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में, ये भी देखना होगा। तो हम फिलहाल असेंडिंग में शॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ 1 लिख करके एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ रैंक 3 आ चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसको यहां से डबल क्लिक करते हैं तो यहां पर ध्यान देंगे, यहीं पर तो दिक्कत हो जाती है, इसे मैंने हटा दिया है। अब बताता हूं आपको दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग भी दे दिया। अगर आप सीधा सीधा रैंक लिख करके, यहाँ देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ, आर ए एन के रैंक हो गया, आर ए एन के रैंक, ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पर अगर आप टोटल को लेते हैं और कॉमा दे करके यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं और F4 कर देते हैं और सीधा इसे बंद करते हैं, कोई असेंडिंग नहीं कोई डिसेंडिंग नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 रैंक आ रहा है, लेकिन रुकिए पहले पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबका रैंक आ चुका है, देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसे बॉर्डर भी लगा देता हूँ शॉर्टकट की माध्यम से, ये बॉर्डर भी लगा दिया। तो अभी आप देखेंगे कि रैंक 1 किनका है, नगमा का है। देखिए ये कितना मार्क्स है, इनका सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देखिए ये पहला रैंक है, दूसरा रैंक किसका है, यहाँ पे देखिए ये दूसरा रैंक है सचिन का, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर तीसरा रैंक किसका है, तो ये थर्ड रैंक है। तो देखिए एकदम बिल्कुल सही करेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रैंक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग देंगे तब दिक्कत हो जाएगी।